प्राइम न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारतीय राज्यों के दौरे का प्लान बनाया है और इसके तहत वो शुक्रवार को ही 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहुंचे और इसके साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना वो पहुंचेंगे, आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे और खबर है कि पीएम इन चारों राज्यों के 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और खास बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से दक्षिण भारत में सियासी विस्तार की कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में ही कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ही टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस हवाई अड्डे की यात्री क्षमता को लगभग 2.5 करोड़ की मौजूदा क्षमता से दोगुना करके 5 से 6 करोड़ यात्री प्रति वर्ष कर देगा। देश में अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में होती है तो आज ना ही कश्मीर से धारा 370 हटती और ना ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता और ना ही कांग्रेस देश की सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ होती। ये बात उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलह के कंसा मैदान में ही नाचन के धनोटू में जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। गुरुवार को ही बलह के कसा ग्राउंड में और धनोटू में भाजपा के ही प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी और विनोद कुमार के पक्ष में विशाल रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अगर हमें बनाना है तो मोदी सरकार को बार बार होगा। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धनोटू में कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो हिंदुत्व की भावना के साथ हमारे राष्ट्र का मंदिर है। पीलीभीत में बहुजन समाज पार्टी के ही नेता इमरान मसूद पीलीभीत पहुंचे और इस दौरान ही उन्होंने सदर कोतवाली इलाके के लाल रोड पर मौजूद बैंड वाली गली में एक कार्यकर्ता के आवास के पास कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और साथ ही जनता को भी संबोधित किया है। इमरान मसूद का पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। इमरान ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने लोगों के दिलों में भ्रम डाला था और इन्हीं की लड़ाई है, जबकि लड़ाई समाजवादी पार्टी की थी ही नहीं। और क्योंकि समाजवादी पार्टी की सारी प्रभाव वाली सीटें हार गईं और इमरान मसूद ने कहा कि मुस्लिम और दलित दोनों मिलकर बसपा का आधार बने। देखिए उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान परिस्थिति है, अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जो पिछले चुनाव के अंदर गलती हुई है उन गलतियों से सबक लेते हुए मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई कि पूरे प्रदेश में सपा और भाजपा के बीच केवल मुकाबला होगा और ये भाजपा और सपा ने मिलकर के खेल खेला और उन तमाम लोगों को भ्रमित कर दिया, उसमें मैं भी था, हम भी उसमें भ्रमित हुए और पूरे प्रदेश के अंदर जब नतीजे आए तो नतीजे साफ थे कि समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में थी ही नहीं और एक ये बनाया हुआ भ्रम था और उस मृत तृष्णा में हम सब लोग दौड़ रहे थे। जहां हम थे वो सीटें जीती और जहां वो थे वो तमाम सीटें हार गई। एटा हार गए, इटावा हार गए, मैनपुरी हार गए, कन्नौज हार गए, फिरोजाबाद हार गए, उनके प्रभाव वाले तमाम क्षेत्र हारने का काम हुआ। तो हमारी समझ में आया कि ये तो एक भ्रम वाली स्थिति है। हमने बसपा ज्वाइन की, बसपा में बहन जी ने जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए सब जगह जा रहा हूँ और हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर दलित और मुस्लिम एक जगह आकर के बसपा का आधार बने। बुलंदशहर के शिकरनाबाद में ही शोधन रोड के पास महिला सफाईकर्मी से बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप है कि एक युवक ने महिला सफाईकर्मी से बदसलूकी की है और जिसके बाद गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने सिकंदराबाद थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और वहीं मामले को देखते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और सफाईकर्मियों को
बुलाकर ही मामले को शांत कराते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मैं 5 बजे ड्यूटी पे जाती हूँ, मैं इसके दरवाजे पे से सिकेटती हूँ, ये नमाज पढ़ के आता, पीछे से मेरा ये पकड़ के मुझसे बोला कि ऐसा हरामखोर यहाँ मत सिकेगा, चल यहाँ से। मैंने कहा ऐसा बदतमीज मत बोला, और मुझे यहाँ धक्का देने लगा। मैं बताऊँ तब उससे कहने लगा, चल हरामखोर, तू हराम का खाती है तू, ये मतलब बहुत। कौन से मोहल्ले का मामला है ये? सुरंदन रोड पे का। आपके क्षेत्र का एरिया ये, और क्या नाम है इसका? सुरंदन रोड। जो आपको इमामुद्दीन। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र नगर के ही डीएम रोड पर मौजूद डॉक्टर अमित अग्रवाल के चाइल्ड अस्पताल में उपचार के दौरान करीब 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई, और वहीं परिजनों ने इलाज के दौरान डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ही परिजनों के तहरीर पर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और वहीं मामले की सूचना मिलते ही IMA अध्यक्ष सहित अन्य चिकित्सक भी मौके पर पहुंचे। सर, हमारा इस बच्चे का काफी दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था, बाकी पर्सनली 3 दिन से दिक्कत हो रही थी हमारे साथ, और 3 तारीख से एक बच्चा और भी है, मेरे बच्चे का भी इलाज चल रहा था, और जब बच्चे की हालत कोई दिक्कत नहीं हुई, परेशानी किसी तरह की नहीं थी, तब कोई दिक्कत नहीं थी। जब हम इसको लेके आए यहाँ पे, तो इन्होंने बिगर देखे, बिगर सोच समझे, और डॉक्टर नहीं थे यहाँ पे, और उन्होंने बिगर चेकअप किए, इन लोगों ने बच्चे को मृत्यु घोषित कर दिया। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में भैंस चराने गई युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त ने बताया है कि वो गांजा पीने का आदी है। 31 अक्टूबर को भी गांजे के नशे में उसने युवती से दुष्कर्म की कोशिश की, जिससे युवती बेहोश हो गई, जिसके बाद वो घबरा कर भाग गया, और दूसरे दिन अभियुक्त ट्रेन से दिल्ली चला गया। और इधर पुलिस ने घटना में अभियुक्त को ट्रेस कर लिया था, और अभियुक्त ने जब मामले को शांत होते देखा तो दिल्ली से घर आया, और पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, और पीड़ित ने भी पहचान कर ली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभियुक्त को पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। तो आपको बता दें, बस्ती से खबर है जहां पर महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो गांजे के नशे में था, उसने अपना कबूलनामा किया है, और इसके साथ ही आरोपी ने बताया है कि वो दिल्ली फरार हो गया था, जिसके बाद मामला शांत होने के बाद जब वो घर लौटा तो पुलिस ने सख्ती से उससे कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित महिला ने भी आरोपी की पहचान कर ली है, जिसके बाद अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इस व्यक्ति ने स्वीकारोक्ति भी करी है कि उस दिन लड़की के द्वारा जब इसने रास्ता पूछा तो लड़की ने जिस तरीके से उसको जवाब दिया, उससे गुस्सा होकर के उसने उसके साथ में दुष्कर्म का प्रयास किया। उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति और लड़की के द्वारा अभियुक्त पहचान के कारण से इसको आगे इसमें हम अन्य कार्रवाई भी करेंगे। और इसी खबर पर बस्ती से संवाददाता पारसनाथ मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारसनाथ, जिस तरह से महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताइए। ये मामला 31 अक्टूबर का है। 31 अक्टूबर को गांव की महिला जो है वो भैंस चराने के लिए गई थी, भैंस चराने गई थी और कुछ देर तक नहीं मिली। बाद में उसको जो बेहोशी की हालत में उस दीवान में जहां भैंस चराने गई थी वहां पर मिली कुछ लोगों ने, जो और साथी लोग भैंस चराने गए थे उन लोगों ने देखा कि ये खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में यहाँ पर, ये उन्होंने उनके परिजन को बताया। परिजन उसके गए और लेकर के आए फिर ले गए हॉस्पिटल में उन्होंने दाखिल किया। उसके बाद पुलिस को सूचना दिया, पुलिस ने भी अपनी जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई शुरू किया। लेकिन मामला लड़की था, इसलिए परिजन लोग भी पहले ये सोच रहे थे कि ये पूरा मामला बाहर ना आए,
लेकिन जब उसकी हालत और बिगड़ती गई, मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, तब परिजनों ने तहरीर दिया, परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके उसकी खोजबीन की जा रही थी, जिसको कल जो आरोपी था वो पहले ही उसको पता चला कि FIR दर्ज हो गया, तो वो भाग करके दिल्ली चला गया। लेकिन वो समझा कि जब मामला थोड़ा ठंडा हो गया तो वो लौट करके फिर गांव आया, और इसमें पुलिस जो है तलाश कर रही थी, उसने पहले से ही ये पहचान कर लिया था कि कौन है, तो वो जैसे ही आया उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पूछताछ में ये पता चला, उसने कहा कि मैं वो गांजा पीता हूँ और गांजे के नशे में था, नशे में मैंने देखा नहीं और जा रहा था तो उसको पकड़ लिया और पकड़ दिया, तो दोनों ने जब बातचीत करी तो मारपीट किया, मारपीट करके मैं भाग गया, जिसमें पुलिस ने उसको कल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जी पारस नाग, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आरोपी तो अभी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन आरोपी कितने समय से फरार चल रहा था? जी एक लगभग 10 दिन के आसपास जो है ये फरार था आरोपी। जैसे उसको पता चला कि FIR दर्ज हो गया है तो इनके परिजन ने एप्लीकेशन दे दिया है, वो तुरंत भाग गया दिल्ली। लेकिन अब कोई दिल्ली में उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, वो तुरंत पहली बार गया था तो वहाँ जो अपने पास उसके पास जेब में पैसा था वो अपना खर्च किया, उसके बाद फिर वापस लौट करके गांव चला आया। तो जैसे ही गांव पहुंचा था तो उसकी तलाश पहले से ही की जा रही थी, उसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पारसनाथ, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है, तो पीड़ित महिला की कोई बयानबाजी सामने आई है? पीड़ित महिला अभी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अभी भर्ती है, लेकिन ये है कि स्थिति उसकी जो है बहुत सामान्य है, लेकिन फिर भी अभी जो है वो मेडिकल लीड पर ही है। जी पारसनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी अपडेट के लिए। बांदा में यातायात माह को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है, और वहीं यातायात नियम के उल्लंघन को लेकर 1 नवंबर से 10 नवंबर तक 1906 लोगों के चालान काटे गए हैं, और जिससे करीब 21 लाख रुपए के ही परिवहन राजस्व का फायदा हुआ है, और साथ ही यातायात पुलिस ने स्कूल कॉलेजों के बाहर खड़े होकर लोगों को जागरूक किया है। तो बांदा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर यातायात नियम को पालन करवाने के लिए लगातार पुलिस सतर्क नजर आ रही है और कई लोगों का चालान भी काटा गया है, चाहे महिलाएं हो या पुरुष, सभी के चालान काटे गए हैं, और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यातायात माह को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है, और इसके साथ ही यातायात नियम के उल्लंघन को लेकर 1 नवंबर से 10 नवंबर तक 1906 लोगों के चालान काटे गए हैं, और जिससे करीब 21 लाख रुपए के परिवहन राजस्व का फायदा हुआ है, साथ ही यातायात पुलिस ने स्कूल कॉलेजों के बाहर खड़े होकर लोगों को जागरूक किया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यातायात पुलिस लगातार लोगों को सतर्क करने की कोशिश कर रही है, और इसके साथ ही जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है, और उन्हें समझाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हो, सभी को समझाने की कोशिश की जा रही है कि नियम जो है उनकी सुरक्षा के लिए है, और यातायात नियम का पालन करना उनके लिए ही सही है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि घर पर उनका कोई इंतजार कर रहा है, तो नियमों का पालन करें और सही सलामत अपने घर पहुँचे, अपने स्थान पर पहुँचे। यातायात नियम को लेकर लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। हम लोग लगातार देखे स्कूल्स में, कॉलेज में बेल लोगों को गोष्ठी करके जागरूक कर रहे हैं, जिसमें यातायात के नियमों का पालन करने के लिए सबको बताया जा रहा है, बिना वैध लाइसेंस के ड्राइविंग ना करें, टू व्हीलर्स पर हेलमेट जरूर लगाएं, 3 सवारियां ना बिठाएं, ओवर स्पीड पर वाहन ना चलाएं, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन का प्रयोग ना करें, शराब पी कर वाहन ना चलाएं, अगर फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट का प्रयोग करें। यही सारी बातें हम सब लोगों को बता रहे हैं। श्रावस्ती में भारत नेपाल की सीमा 72 घंटे सील रहेगी, और 17 नवंबर रात 12 बजे से और 20 नवंबर रात 12 बजे तक सीमा पर आवागमन बंद रहेगा, ऐसा नेपाल में प्रतिनिधि और प्रदेश सभा सदस्य चुनाव को लेकर किया जा रहा है। इसको लेकर नेपाल के ही बांके में मौजूद साल्टी होटल में हुई भारत नेपाल के समन्वय बैठक हुई है, और जिसमें भारत और नेपाल के अधिकारियों में सीमा सुरक्षा को लेकर आम सहमति बनी है, और इस बैठक में श्रावस्ती और बहराइच के DM SP मौजूद रहे, और साथ ही बैठक में
62वीं अगर वाहिनी की बात की जाए और इसके साथ ही आपको बता दें कि 59वीं वाहिनी के ही SSB कमांडेंट भी मौजूद रहे। और इसी खबर पर श्रावस्ती से ही संवाददाता सूर्य प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, भारत नेपाल की सीमा पर पाबंदी लगाई गई है, क्या पूरा मामला है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्र नेपाल के अपने सामान्य निर्वाचन होने हैं, जिसके लिए स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए देर शाम नेपालगंज के बाके स्थित सार्टी होटल में भारत नेपाल समन्वय बैठक सम्पन्न की गयी, जिसमें बहराइच के आला अधिकारी और श्रावस्ती के DM व SP सहित SSB और वन सहित तमाम संबंधित विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ समन्वय बैठक की गई, जिसमें 17 नवंबर की मध्य रात्रि 12 बजे से 30 नवंबर की मध्य रात्रि 12 बजे तक भारत नेपाल सीमा के आवागमन बंद रहेंगी और तमाम चीजों के लिए अंकुश लगाए जाएंगे। सीमा पर हो रहे सड़क निर्माण, सीमा पर अन्य अवांछित गतिविधियों के अंकुश लगाए जाने व वन संपदा की सुरक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। और इंडिया की तरफ से दोनों जनपदों के अधिकारियों द्वारा नेपाल राष्ट्र के अधिकारियों को आश्वस्त किया गया है कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे, हमारे तरफ से कोई भी गतिविधि नेपाल सीमा में नहीं करने पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जी सूर्य प्रकाश, इस बैठक में कितने अधिकारी शामिल हुए हैं और क्या क्या बातचीत हुई है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैठक में श्रावस्ती जिलाधिकारी नेहा प्रकाश व बहराइच के जिलाधिकारी दिनेश चंद सहित पुलिस अधीक्षक बहराइच के अशोक कुमार चौधरी, श्रावस्ती के SP अर्जुन कुमार मौर्या, कमांडेंट SSB 42वीं बटालियन के तपन कुमार दास, 59वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट के साथ ही 62वीं कमांड बटालियन के RK रजोश्री, LTO 1 कतरनिया गांव मनीष कुमार शर्मा सहित जबकि नेपाल साइड के CDO गर्मिया बंधु प्रसाद व सोला ने सभी के प्रति तमाम अधिकारी मौजूद रहे। दोनों दो जिसों के अधिकारियों ने एक दूसरे को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया और फोटो सेशन में भी भाग लिया गया। जय सूर्य जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि श्रावस्ती में भारत नेपाल की सीमा 72 घंटे सील रहेगी, तो लोगों को क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है? जो आस पास के लोग हैं उनको कितनी समस्याओं से सामना करना पड़ेगा? क्योंकि चुनाव का माहौल है, इसलिए दोनों देशों में 72 घंटे के लिए अंकुश लगाए गए हैं, जिसमें जो भी लोगों को जो समस्या होगी, जो दोनों देशों के आपस में अधिकारी मिलकर उन समस्याओं का निस्तारण करने की निस्तारण करेंगे और समस्याओं को सुलझाने की कोशिश भी जारी रखी जाएगी। जी सूर्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। फरुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट के अवैध निर्माण कर बने 9 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश मिलते ही हड़कंप मच गया है। बता दें कि नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में सभी लंबित वार्डों की सुनवाई के बाद अनाधिकृत निर्माण के ही ध्वस्तीकरण के बाद ही आदेश जारी किए गए हैं। तो फरुखाबाद से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर मामला सामने आया है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि फरुखाबाद में ही नगर मजिस्ट्रेट के ही अवैध निर्माण कर बने 9 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश मिलते ही अब हड़कंप मचा हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में सभी लंबित वार्डों की सुनवाई के बाद अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद से ही आदेश जारी किए गए हैं। फरुखाबाद से खबर है, जहां पर 9 अवैध इमारतों का ध्वस्तीकरण होगा। बता दें आपको कि फिर से जो ये बाबा का बुलडोजर है साफ तौर पर नजर आएगा, योगी आदित्यनाथ का बाबा का बुलडोजर फिर से नजर आएगा और इसके साथ ही अवैध इमारतों पर ही ये जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 9 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश मिलते ही वहां पर हड़कंप मचा बताया जा रहा है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं और नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में सभी लंबित वादों की सुनवाई के बाद ही अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें, फरुखाबाद से खबर है, जहां पर बाबा का बुलडोजर चल गया है। जी हाँ, फरुखाबाद में ही अवैध निर्माणों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बता दें आपको कि फरुखाबाद में ही नगर मजिस्ट्रेट के अवैध निर्माण कर
बने हुए 9 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश मिलते ही हड़कंप मच गया है। और आपको आपको ये भी बता दें कि नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में सभी लंबित वादों की सुनवाई के बाद ही अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद ही आदेश जारी किया गया है। और इसके साथ ही पूरी खबर पर फरुखाबाद से संवाददाता आदेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश यादव, जिस तरह से बाबा का बुलडोजर चला है और अवैध इमारतों का अब ध्वस्तीकरण हो रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, कल न्यायालय में बात चढ़ा हुआ था, उसके बाद सुनवाई होने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया। जिस तरह से अवैध निर्माण बिना नक्शा पास लगभग 16 शहर में होटल और लगभग 5 दुकानें कमालगंज थाना क्षेत्र में बनती है, जिन पर बाबा का सत्य था। जिस तरीके से अवैध लोगों ने बना रखा है, लगातार जिले में पिछली कई दिनों से पहले ही बाबा का बुलडोजर चलता है, उस तरीके से चलेगा जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। जी, 9 अवैध इमारतों का ध्वस्तीकरण होगा और लोगों का क्या कुछ कहना है वहाँ पर? देखिए मैं बता दूं, लोग आदेश जारी होने के बाद लोगों में जिस तरीके से हड़कंप मचा है, लोगों ने होटल और दुकानें बंद कर दी है। खोलने का टाइम इस समय भी अभी तक नहीं खुली है। लोगों में जिस तरीके से आदेश जारी होने के बाद हड़कंप तो मचा है, उस तरीके से साफ साफ प्रचार होता है, कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर डर की संभावना है। जी आदेश यादव, कुछ साफ हो पाया है कि 9 भवनों का व्यवस्थीकरण आखिर किस डेट को होगा, किस तारीख को होगा? देखिए मैं बता दूं कि आज कुछ ही देर में नगर मजिस्ट्रेट अपनी टीम के साथ सभी भवनों का चिन्हीकरण करेंगे। उसके बाद जो है हो सकता है 1-2 दिन के अंदर इनके ऊपर बाबा का बुलडोजर चल जाए और कार्रवाई की जाएगी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फरुखाबाद में ऑटो चालक और मारुति वैन चालक और नन्हे छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आए दिन मारुति वैन चालक भूसे की तरह बच्चों को ऑटो और मारुति वैन में भरकर ढोते हुए नजर आते हैं। वहीं ये चालक बिना मानक के ही दौड़ रहे हैं और इसको लेकर ऑटो और मारुति वैन RTO विभाग की आंखें बंद है और साथ ही इसका वीडियो भी अब वायरल होने लगा है। ये चालक यातायात नियमों और ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं और साथ ही मासूम छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ भी कर रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन मौन नजर आ रहा है। फरुखाबाद से आदेश यादव संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदेश, जिस तरह से खबर सामने आ रही है, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी देखिए मैं आपको बता दूं, लगातार प्रदेश में कई जिलों में जनपदों में हादसे हो रहे हैं, उसके बाद भी जिला प्रशासन फरुखाबाद का जिला प्रशासन है जो नाम सुधरने का नाम ले जाए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं टेम्पो और अवैध टेम्पो और जो है मारुति वैन में जिस तरीके से भूसे के तरीके बच्चों को भरकर मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ढोए जा रहे हैं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिला प्रशासन है जो आप मुझे बैठा है और बिना मानक के सभी टेम्पो और ये जो है मारुति वैन फर्राटे के रोड पर फर्राटे भर रही है। जी जी ये जो वैन चलाई जा रही है, ये स्कूल की तरफ से चलाई जा रही है या परिजनों के द्वारा इनको स्कूल भेजा जा रहा है, किस तरह से है, पूरा मुद्दा विस्तार से बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो है सब स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। ये स्कूल प्रशासन जो है इनको पैसा देकर और ये जो है वैन मालिक और टेम्पो मालिक मोटी रकम लेकर इन वाहनों को लगाते हैं और RTO जो है उनकी आंखें बंद हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा, बिना मानक की सभी गाड़ी चलाई जा रही है। जिस तरीके से मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से कई जनपदों में हादसे आए दिन होते आते हैं, उसके बाद भी जिला प्रशासन भरने का नाम नहीं ले रहा है। जी जिसमें RTO विभाग भी कहीं ना कहीं मौन नजर आ रहा है। देखिए मैं बता दूं, बिल्कुल लगातार टेम्पो आए दिन RTO दफ्तर के कुछ ही दूरी से टेम्पो मासूम बच्चों के भूसे की तरह भरकर टेम्पो और मारुति वैन निकल रही है। उसके बाद भी RTO और जिले के अधिकारी रोड से तमाम गुजरते हैं, जब ये टेम्पो और वैन निकलती है उसके बाद भी किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। जिस तरीके से किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं लगता है। जी आदेश, और यातायात अगर पुलिस की बात कर लें तो चालान नहीं काटा जा रहा है और ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसके साथ ही साथ बच्चों के जो जीवन है वो भी खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जी देखिए मैं आपको बता दूं, लगातार रोड से गुजरते ट्रैफिक नियम लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है, भूसे की तरह भरकर बच्चों को मासूम बच्चों को ले जाया जा रहा है स्कूल और उनके घर लाया जाता है। उस तरीके से ट्रैफिक नियमों की और ट्रैफिक नियम जो अधिकारी हैं ट्रैफिक के, उनको भी उनके सामने से गुजरते हैं टेम्पो, लेकिन उन्होंने भी किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं जताई है अभी तक। जिस तरीके से ये लोग खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं ट्रैफिक नियमों की। जी आदेश, आपने स्कूल प्रशासन से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की है, क्या कुछ कहना है उनका?
देखिए मैं बता दूं, जिले के अधिकारियों से लेकर स्कूल प्रशासन से बात करना चाहें तो वो जो है किसी तरीके का कोई जवाब देना नहीं चाहते हैं और बच्चे नजर आते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, फोन उठाते हैं तो कहते हैं कि बात करेंगे, बात करने के बाद जब जाओ तो मिलते नहीं है और गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं। जी जी आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।